उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रेलवे स्टेशन के सामने सपा विधायक के पुत्र और कोतवाल प्रवीण सिंह में टिकट बूथ के पास गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर विवाद हो गया। कहानी बना रहे हो, यहाँ गाड़ी ला के पार्क किए हो, यहाँ ला के गाड़ी पार्क किए हो, करे क्या बैठे। दरअसल छठ पर्व के चलते बाजारों में काफी भीड़ बनी हुई है, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो पाए। बाजार पर निगाह बनाए रखने के लिए गुरुवार देर शाम कोतवाल प्रवीण सिंह चौक जाने वाले मार्ग पर पुलिस पिकेट बूथ के सामने बैठे हुए थे कि तभी फेफना से विधायक संग्राम सिंह यादव का बेटा पिकेट बूथ के सामने गाड़ी खड़ी करके बाजार में जाने लगा, जिस पर कोतवाल ने गाड़ी खड़ी करने से मना किया। इस पर विधायक पुत्र ने कोतवाल की बात को नकारते हुए उन्हें बूथ के अंदर बैठने की हिदायत दे डाली। इसके बाद मामला बिगड़ गया। हमने कुछ कहा, आप गोली मारो। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे विधायक संग्राम सिंह यादव की भी कोतवाल से जमकर कुटू मैमे हो गई, और साथ ही संग्राम सिंह ने कोतवाल को भाजपा सरकार के इशारे पर सपा नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। फिलहाल घंटों चलते इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद विधायक ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात करते हुए बेटे को लेकर चलते बने। लड़के के साथ यहाँ गाड़ी खड़ी थी, लड़के ने कहा कि मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, तो इन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी देख लूंगा और तुम्हारे बाप के मैंने गाली दिया। किसने गाली दिया? ये कोतवाल है प्रवीण कुमार। अच्छा, तो किस तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अच्छा, अभी आप आए हुए हैं तो क्या सपा की सरकार नहीं है, इसलिए ये सपा के लोगों को इस तरह की गाली। तो इसकी शिकायत आप कुछ अधिकारियों से भी करेंगे?